अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। किसान आंदोलन के दौरान अपनी सीधी बात नो बकवास जैसी तेज तर्रार कार्यशैली के चलते चर्चा में आई पूनम पंडित आज एक बार फिर से चर्चा में आ गई। इस बार चर्चा का कारण मेरठ में एक युवक द्वारा की गई छेड़छाड़, उस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करना, एसएसपी से मिलने की कोशिश करने पर 90 दिन का पाठ पढ़ाया जाना बना। पूनम पंडित पुलिस कप्तान से मिलने आई थी, लेकिन प्यारों ने कह दिया कि एफआईआर दर्ज होने के 90 दिन बाद ही कोई कार्रवाई न होने की शिकायत की जा सकती है। पूनम का कहना है, पुलिस सदैव तैयार कहा जाता है, लेकिन यदि हर आदमी 3 घंटे इंतजार करने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला पूनम की ही जुबानी। भैया 2 महीने पहले एक एप्लीकेशन लगाई थी, ठीक, अभी वो एप्लीकेशन जो है इसके विषय में लगाई थी, मैं बोल सकती नहीं, दिखा सकती हूँ, इस विषय में लगाई थी। और इस बंदे की पहचान मेरे पड़ोस में मेरी बहन जहाँ रहती है उनके रूप में हुई, जानते हैं, बाकायदा जानबूझ कर छवि खराब करने की कोशिश करी, जानबूझ कर निकलती हूँ, बहुत गंदे तरीके से देखते हैं, सेक्सुअली हरिशमेंट करते हैं, 2 बार आई हूँ मेरठ तब ऐसी हरकतें करते हैं, अब इसमें कार्रवाई नहीं हुई, एसएसपी साहब से मिलने आए हैं तो 3 घंटे बाद का समय दिया, जो उनके पीआरओ साहब हैं उन्होंने कहा कि घर पे मिलते नहीं हैं एसएसपी साहब, सुनने में आया था एसएसपी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं, तो इसलिए 2 बार और आए मिलने, इत्तेफाक से हम मिल नहीं पाए सर से, फिर मैंने कहा चलो आपकी बार आवास पर जाते हैं, आवास पर जाके मिल के आवें, और जो इनके पीआरओ साहब हैं उन्होंने कही है कि वे घर पर किसी से नहीं मिलते हैं, पब्लिक से सिर्फ ऑफिस में मिलते हैं। लेकिन मैंने ये सुना था भाई एसएसपी साहब हो या डीएम हो या एसडीएम हो, 24 घंटे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसा मैंने सुना, पता नहीं मैंने गलत सुन लिया हो सके, जो पीआरओ साहब हैं वो एसएसपी साहब के पास तक नहीं जाने दे रहे हैं, ना उनसे मिलने दे रहे हैं। तो इस विषय में 2 महीने पहले कार्रवाई नहीं हुई, ब्रह्मपुरी थाना में मैंने एप्लीकेशन दी, सुधीर अत्री जी इंचार्ज थे वहाँ पे, ना ये फाइल कोर्ट पहुँचाई ना अभी कहीं पर पहुँचाई, तो इस विषय में कार्रवाई चाह मैं इसलिए आए हुए, मिलने नहीं दे रहे, कह रहे 3 घंटे वेट करो, अब एक व्यक्ति को मिलने के लिए 3 घंटे का समय दिया, जनता से मिलने के लिए जो हमारे जिले के अधिकारी हैं इंसान को 3 घंटे का वेट करना पड़ेगा एक एक व्यक्ति को, तो भैया कैसे काम चलेगा, कैसे देश फास्ट फॉरवर्ड होगा। जैसा आप देख रहे हैं मैं किसान, ठीक है हम अपने विचार रख रहे हैं सरकार के, हमारे विचार नहीं मिल रहे, सीधी बात है, लोकतांत्रिक देश में आज़ाद देश भारत में है, अपने विचार रख सकते हैं, बशर्ते आपको पसंद आवे ना पसंद आवे, तो आप ये थोड़ी कि आप हमें गाली दोगे गलोच करोगे। ये इस तरीके की टिप्पणी उस बंदे ने करी है, DS4 न्यूज़ पर ये वीडियो है जिस वीडियो पर उन्होंने ये टिप्पणी करी है, जो इसमें एक भी शब्द गलत हो, गाली हो, ऐसे शब्द हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस वीडियो में ऐसे शब्द हो। अब इस बंदे के साथ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, पवन बंजल नाम का युवक है, वो बंदा है जिसका भाई ट्रिपल मर्डर में जेल काट के गया माधवपुरम से, जिसका भाई 3-4-5-6 किलो जो नशे का पदार्थ हो उसमें फिलहाल में जेल काट रहा, उस बंदे का भाई है, बताओ क्या करेंगे हम भाई, सरकार का कानून, सॉरी कानून का सहारा लेंगे नहीं लेंगे, किसी से भी नहीं करवा रहे, ये इन्होंने कह दीजिए अंदर अलाउ नहीं है, पीआरओ साहब से फोन करवाया, मैंने अपने फोन से फोन करा जो सरकारी नंबर है, उन्होंने कह दी 3 घंटे बाद मिलेंगे ऑफिस में मिलेंगे, 3 घंटे वेट करो। इससे पहले किसी अफसर से मिली हो इस विषय में? हाँ जी मैं मिली थी, जो वो है अजय सहनी जी SSP थे, उनके जो वो थे नहीं, उन्होंने कह दिया वो नहीं लेते एप्लीकेशन, जो उनके जो क्राइम ऑफिसर होते हैं SP क्राइम, उन्होंने इसके रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन ली थी मेरी, ठीक, ना इस पर कोई कार्रवाई हुई ना कुछ सिस्टम हुआ, ठीक। फिर अब मैंने सुना भाई SSP साहब अच्छे से काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं, तो इसलिए आ गए हम तो यहाँ पे। अब PRO साहब कह रहे हैं किसी से नहीं मिलते हैं वो, 3 घंटे वेट कीजिए, आप क्यों टाइम पे गलत आई हैं, तो फिर ये बात क्यों कहते हैं 24 घंटे सदैव तत्पर हैं भैया ना आने के जी। PRO साहब को ज़्यादा पता कि आज हम SSP साहब से ये बात पूछ लेंगे कि सर मैंने सुना था कि 24 घंटे सेवा में, तो PRO साहब ने ऐसे क्यों बोला, चलिए मैं वेट कर रही हूँ, 1 बजे आई हुई हूँ मैं, किसी को मैंने बताया भी नहीं, कोरोना के रूल फॉलो कर रही हूँ ना, किसी को घर से साथ भी नहीं लेकर आई हूँ, अकेली लेकर आई हुई हूँ, रूल फॉलो कर रही हूँ, ठीक है 1 बजे आई थी, अब आप टाइम देख लो क्या हो रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करें, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, जब तक जरूरी न हो घर से फिलहाल न निकलें, देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी, नमस्कार।